नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था खरपतवार के नियंत्रण की विधियां। इससे पहले जो टॉपिक देखा था वो हमने देखा था खरपतवार नियंत्रण की जो सिद्धांत है प्रिंसिपल्स वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में अपन देखेंगे खरपतवार नियंत्रण की जो अलग अलग विधियां। आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक व यांत्रिक विधियां। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और पहले बोर्ड क्लास में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है कि खरपतवार नियंत्रण की भौतिक या यांत्रिक विधियों के बारे में विस्तार से समझाइए। बड़ा क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, या तो आपको फिक्स पूछ लेगा कि सिक्स मेथड जो छह विधियां या तो छह पॉइंट्स, पांच पॉइंट, चार पॉइंट जो भी है वो आपको वहां पर पेपर में आपको फिक्स दे देगा, या फिर सीधा भी ऐसे डिस्कस कर लेगा कि यांत्रिक और भौतिक विधियों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा। तो ये किसकी विधियां हैं? खरपतवार के नियंत्रण की। अपन किसको कंट्रोल कर रहे थे? वीड को कंट्रोल कर रहे थे। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है, आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। यदि पॉइंट्स क्लियर है तो आपको फिर थ्योरी लिखने में समस्या नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट्स क्या है, अब देखो भौतिक और यांत्रिक, यहां पर अपन यंत्रों का भी सहारा लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है, मानव का भी यहां पर क्या होगा, थोड़ा हिस्सा होगा, और यंत्रों का भी क्या होगा, यहां पर थोड़ा हिस्सा होगा। तो भौतिक तो फिजिकल, यांत्रिक मतलब यंत्रों का यहां पर क्या लेंगे, थोड़ा सहारा लेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हाथ से उखाड़ना। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, हाथ से उखाड़ना। अब देखो हाथ से उखाड़ना, अब हाथ से उखाड़ेंगे इसका मतलब इसमें किसी भी यंत्र का अपन क्या नहीं कर रहे, उपयोग नहीं कर रहे। किससे उखाड़ेंगे? हाथ से उखाड़ेंगे। क्या बड़े क्षेत्र में ये उपयोगी है? बिल्कुल नहीं। कोई भी छोटा क्षेत्र है, क्या है? कोई भी छोटा क्षेत्र है, और उसकी शर्त क्या है, वो कैसा होगा? घना होगा। क्या होगा दोस्तों? घना होगा। वहां पर वनस्पति बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, या फिर कहें कि यहाँ पर फसल क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगी। तो छोटे क्षेत्रों में जहां पर खरपतवार अधिक मात्रा में उगा हुआ होता है उसको अपन किससे निकालते हैं? हाथ से उखाड़ते हैं। किससे उखाड़ते हैं? हाथ से। इसको हैंड फॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो छोटे क्षेत्रों में यदि खरपतवार को निकालना है तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? हाथ से उखाड़ना। ठीक है, यहां पर किसी भी यंत्र का अपन प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन शर्त क्या होगी? जो खरपतवार होंगे वो कैसे होंगे? एक वर्षीय होंगे। खरपतवार कैसे होंगे? एक वर्षीय खरपतवार यहां पर होंगे। बहुवर्षीय यदि खरपतवार होंगे, जैसे दूब घास क्या है, खरपतवार बहुवर्षीय है, क्या अपन उसको हाथ से उखाड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि हाथ से उखाड़ेंगे तो क्या हुआ, उनकी जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर रह जाएंगी, और जड़ें यदि भूमि के अंदर रह गई तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा, क्योंकि जड़ों का क्या होगा, धीरे धीरे जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, और उससे फिर एक नए पौधे का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। इसलिए ये एक वर्षीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष जो खरपतवार होते हैं, जैसे गेहूं में गेहूंसा, सरसों में सत्यानाशी, खरीफ और रबी में जितने भी खरपतवार है वो किसमें आएंगे? एक वर्षीय में आएंगे। तो उनको अपन जड़ समेत उखाड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? हाथ से उखाड़ना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं यहां पर निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई करना। अब यहां पर दो अलग अलग शब्द है, क्या? फर्स्ट है निराई और सेकंड है गुड़ाई। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए निराई और गुड़ाई में दोनों में क्या फर्क है, क्या कोई डिफरेंट है क्या, या फिर दोनों एक ही शब्द है? तो दोस्तों दोनों क्या है, अलग अलग शब्द है। क्या है? अलग अलग शब्द दोस्त। तो देखिए निराई का अर्थ क्या होगा, निराई का होगा छोटे यंत्र। यहां पर निराई में क्या लेते हैं, छोटे यंत्रों का उपयोग, और गुड़ाई में बड़े यंत्रों का उपयोग। क्या लेते हैं? बड़े यंत्रों का उपयोग लेंगे और यहां पर छोटे यंत्रों का उपयोग लेंगे। जैसे यहां पर यंत्र की बात करें खुरपी, गाइस यहां से अपने ZICR BHU में यहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि निराई में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं और गुड़ाई में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, और आपको इसका पता भी होना चाहिए। काफी बार ये क्वेश्चन पुटअप भी हो जाता है, और नॉर्मली तरीके से कोई आपको पूछ ले कि निराई और गुड़ाई में क्या फर्क होता है, क्या और फर्क होता है तो क्या फर्क होता है, तो ध्यान से देखिए इसको। निराई में लेते हैं छोटे यंत्र और गुड़ाई में लेते हैं बड़े यंत्र। अब छोटा यंत्र कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल खुरपी। गुड़ाई में बड़े यंत्र लेते हैं तो देखिए यहां पर फावड़ा लेंगे,
ठीक है, यहां पर हैरो लेंगे, इसके अलावा हल हो गया, देसी हल हो सकता है। तो जितने भी बड़े यंत्र है वो किसमें आएंगे, गुड़ाई में। तो छोटे यंत्रों की सहायता से अपन जो गहराई में जो या फिर कहीं घना क्षेत्र जहां पर होता है वहां पर अपन किसकी सहायता से खरपतवार को निकालेंगे, खुरपी की सहायता से। और जो बड़ा क्षेत्र है और जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फैला हुआ है, खरपतवार, उसको अपन किससे निकालेंगे, बड़े यंत्रों से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब खेत में क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। खेत में क्या करते हैं, खरपतवार को यदि निकालना है ना तो बारी बारी से क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से निराई गुड़ाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो देखिए छटाई करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, छटाई करना। अब निराई गुड़ाई में और छटाई में दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है क्या, यहां पर देखिए जैसे अपन लेते हैं एक वर्षीय खरपतवार को, यहां पर किसको लेते हैं, एक वर्षीय खरपतवार। अब एक वर्षीय जो खरपतवार होता है, मान लीजिए इसका क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण होगा। तो अंकुरण होने से पहले इसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या फिर बीज पड़ने से पहले जब जर्मिनेशन की क्रिया होती है या फिर सीड का जो निर्माण होता है उससे पहले यदि खरपतवार को नष्ट कर दें तो वो किसमें आएगा, छटाई में, ठीक है ना। जैसे बात करें छटाई कहां पर करते हैं, बंजर भूमि में करते हैं, चारागाह में करते हैं, ठीक है, सड़कों के किनारे करते हैं। तो इनके आसपास जितने भी खरपतवार होते हैं उनकी क्या करते हैं, छटाई करते हैं। क्या करते हैं, उनकी छटाई करते हैं। फिर देखिए खरपतवारों को जलाना, फोर पॉइंट क्या है हमारा, खरपतवारों को जलाना। अब ये विधि या ये मेथड अपन कहां पर उपयोग करेंगे, क्या फसल में इसका उपयोग करेंगे इस मेथड का, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि फसल में यदि ये मेथड यूज में लेंगे तो संपूर्ण फसल खरपतवार के साथ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या इसका उपयोग अपन कहां पर करेंगे, इसका उपयोग भी अपन कहां पर करेंगे, अभी हमने देखा बंजर भूमियों में, सड़कों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे और बंजर भूमि हमने देख ली, ठीक है, चारागाहों में, ओके। यहां पर इसका क्या करेंगे, अपन इस मेथड को यूज में लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, यहां पर अपन मुख्य फसल ना लगाकर ये बंजर भूमि जो भूमि पड़त रहती है वहां पर जो खरपतवार उगा हुआ होता है उसका क्या होता है, उसको जलाएंगे। और जलाएंगे तो जो जमीन की जो ऊपर की जो लेयर है, फर्श है, उसमें जो अंकुरण होता है पौधों का, वो जलकर क्या हो जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसको अपन लेंगे बंजर भूमि, सड़क, रेल मार्ग, चारागाह, इन सभी के आसपास इसका क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब देखते हैं पलवार या मल्चिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पलवार या मल्चिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। पलवार को ऊपर क्या कहते हैं इंग्लिश में, जब अब ये दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए, पलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्चिंग। काफी बार एग्जाम में आपको पलवार ना देगी मल्चिंग के बारे में पूछ लेगा कि मल्चिंग क्या है बताइए, ठीक है। तो मल्चिंग को अपन क्या कहते हैं, पलवार। अब पलवार क्या होता है, देखिए पलवार, वार करेंगे। अब किस पर करेंगे, खरपतवार पर क्या करेंगे, वार करेंगे। मान लीजिए ये अपना क्या है, खेत है, अपना क्या है, खेत है, इसमें क्या उगा हुआ है, खरपतवार उगा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहां पर या तो कोई भी हमारे पास यदि घास फूस है, हमारे पास क्या उपस्थित है, घास फूस, या फिर कोई भी पॉलिथीन की जो थैली हमारे पास उपस्थित है, तो संपूर्ण खेत को क्या कर देंगे, ढक देंगे। संपूर्ण खेत को क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब ढकने से क्या हुआ, अब ढकने से क्या हुआ कि एक तो इसको धूप नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब धूप ही नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं बनाएगा, पर्याप्त मात्रा में जल भी प्राप्त नहीं होगा, हवा भी प्राप्त नहीं हुई, तो संपूर्ण इसकी श्वसन की क्रिया क्या होगी, बंद हो गई। और क्या हुआ, यहां का जो तापमान है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद कोई भी जीव हो जीवित कभी भी नहीं रह सकता, तो खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पलवार या मल्चिंग का सीधा सीधा अर्थ ध्यान रखना, घास फूस या पॉलिथीन की सहायता से संपूर्ण खेती को, संपूर्ण खेत को ढक देना, वही क्या है, पलवार या मल्चिंग। फिर देखते हैं इसमें कर्षण क्रियाएं, इसमें क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कर्षण क्रियाएं। कर्षण का मतलब कृषि से संबंधित क्रियाएं, कृषि का मतलब कृषि से संबंधित क्रियाएं। जैसे
सिंचाई का प्रबंधन करेंगे, किसका करेंगे, सिंचाई का प्रबंधन करेंगे और उर्वरक का प्रबंधन करेंगे, और किसका प्रबंधन करेंगे, उर्वरक का प्रबंधन करेंगे, इन दोनों का मैनेजमेंट कि सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, क्या फॉर्मेशन होना चाहिए इसका, उर्वरक कितना देना चाहिए, किस पौधे के या किस कैरी में या किस खेत में किस हिसाब से देना चाहिए, उन सभी का मैनेजमेंट किस में आता है, कर्षण क्रियाओं में आता है। लास्ट पॉइंट हमारा मृदा ताप उपचार, मृदा ताप उपचार, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, मृदा ताप उपचार। तो मृदा ताप उपचार से क्या होगा, मृदा ताप का मतलब है कि मृदा का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कब बढ़ेगा, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, तो उस समय क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, तो जो भी खरपतवार है वो जुताई के साथ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ गया तो फिर टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, अच्छा वाला, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, तो ये थी भौतिक और यांत्रिक विधियां जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पॉइंट याद होना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट था हाथ से उखाड़ना, सेकंड है निराई गुड़ाई करना, ये यंत्र आ गए, फिर है छटाई करना, एक वर्ष से खरपतवार आ गए, इन सभी की क्या कर देंगे, छटाई कर देंगे। नेक्स्ट है खरपतवार को जलाना, खरपतवारों को क्या करेंगे, जलाएंगे, पलवार या मल्चिंग से क्या करेंगे, खरपतवार को नष्ट करेंगे, कर्षण क्रियाओं के द्वारा भी क्या करेंगे, खरपतवार को नष्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट है मृदा ताप उपचार, तापमान से भी क्या करेंगे और जुताई, बारी बारी से जुताई करके खरपतवार को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थी यांत्रिक और भौतिक विधि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसकी जो रासायनिक विधि है, केमिकल का यूज करके भी अपन क्या करते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं, उनमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, स्प्रे से क्या किया, छिड़काव किया केमिकल्स का और खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उससे क्या होता है, अपनी जो मुख्य फसल है वो तो बच जाती है, लेकिन जो खरपतवार है ना वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा स्प्रे करने से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।